एवरीवन, वेलकम टू जादोन इंडियन किचन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड। आप इस हेल्दी फ्रूट कस्टर्ड को किसी भी फास्ट में बनाकर खा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, फ्रूट कस्टर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमने यहाँ समा के चावलों को पीस कर लिया है। आप इसकी जगह साबूदाना को भी पीस कर उसका पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि मार्केट का के कस्टर्ड में क्या मिला होता है, तो इसलिए हमने यहाँ समा के चावलों को पीस करके उसका पाउडर बना लिया है। अब हम एक कटोरी में 4 चम्मच समा के चावल का पाउडर लेंगे और पानी डालकर हम एक इसका पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करके एक पैन में 500 ml फुल फैट दूध डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आने तक दूध को पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने दूध को पकाया है। दूध में उबाल आ गया है। हमने जो पेस्ट बनाकर रेडी किया था उसमें से हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें पेस्ट डालेंगे। पहले मैं इसमें 4 चम्मच पेस्ट डाल रही हूँ। अगर मुझे बाद में ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से इसमें पक ना जाए। समा के चावलों का जो पेस्ट बनाकर रेडी किया है हमने, ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें कस्टर्ड भी हमारा पहले से काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इसमें 10 से 12 केसर के धागे डाल रहे हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। कस्टर्ड को थोड़ा सा येलो कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर केसर के धागे डाले हैं। अगर आप डालना चाहें तो डालें। आप इसकी जगह कुछ येलो फूड कलर की ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं अगर आप फास्ट में खाते हैं तो। अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अगर आप नहीं खाते तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसे थोड़ी देर पकाया है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। चलिए मैं कस्टर्ड को चेक कर लेती हूँ इस स्पैचुला से। इस तरह से ये देखिए, कस्टर्ड हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। कस्टर्ड हमारा बन करके तैयार है। इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होकर ये काफ़ी थिक हो गया है। कस्टर्ड हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हैंड विस्कर से बीट कर लेंगे। कस्टर्ड खाने में क्रीमी लगेगा ऐसा करने से। देखिए, कस्टर्ड को मैंने एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है, एकदम क्रीमी। मैंने इस तरह से इसको फेंटा है हमने इसमें। अब हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। थोड़े से मैंने ये हरे अंगूरों को काट कर लिया है, थोड़े से काले अंगूर काट के लिए हैं, कुछ सेब को काट करके ले लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, केले के 2 केलों को काट करके लिया है, थोड़े से मैंने यहाँ अनार के दाने लिए हैं। सभी को हम कस्टर्ड में डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी फल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आपको जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। अब मैं कस्टर्ड को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। 3 घंटे के बाद देखिए, मैं कस्टर्ड को मैंने निकाला है, बाहर निकाला है, और देखिए ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड। अब मैं इसे बाउल में सर्व कर लेती हूँ। मैंने इन्हें बाउल में सर्व कर लिया है। थोड़े से अनार के दाने और ग्रेप्स से मैं ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ। ये लीजिए, ठंडा ठंडा फलाहारी कस्टर्ड खाने के लिए रेडी है। आप एक बाउल कस्टर्ड खा लेंगे तो आपको पूरे दिन की थकान महसूस ही नहीं होगी। आप आराम से नवरात्रि व्रत रख सकते हैं। इस नवरात्रि आप भी इस हेल्दी फ्रूट कस्टर्ड को घर पर बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल जादोन इंडियन किचन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। टेक केयर।